हेलो सामकम दोस्तों तो क्या हाल है आज की इस वीडियो में हम ट्राइंगल इन इक्वालिटी थीरियम के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे ठीक है सो य बेसिकली है क्या ये ट्राइंगल इन इक्वालिटी थीरियम ये बेसिकली आपको मदद करता है ये देखने में कि कौन सा ट्राइंगल सही है कौन सा ट्राइंगल गलत बना है ठीक है तो खाली ये चीज़ ये आपको बता रहा होता है सो दिस सेज से सम ऑफ एनी एंगल सॉरी सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के दो साइड एक जैसे कि ये एक ट्राइंगल है ठीक है इसकी दो साइड का सम जो है वो यानी कि दो साइड को प्लस करोगे शुड बी ग्रेटर देन द रिमेनिंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल ये तो ये जो है बड़ा आना चाहिए उस रिमेनिंग वन साइड के ठीक है यानी कि लेट्स सपोज के अगर आप ये दोनों साइड को सम कर रहे हो तो इस साइड के जो भी नंबर है आपका वो इस साइड से बड़ा हो ठीक है इसी तरीके से अगर आप इन दोनों साइड ये दो साइड ले रहे हो तो ये दो साइड का जो नंबर है या सम होने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इस साइड से बड़ा हो ठीक है तभी आपका जो ट्राइंगल है वो सही माना जाएगा ठीक है या ये माना जाएगा कि भाई ये ट्राइंगल है वाकई में कि अगर आपका सम जो है वो बड़ा नहीं होता या बराबर होता है तो इसका मतलब कि आप ट्राइंगल मतलब ये जो ट्राइंगल है वो गलत बना हुआ है ठीक है तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं ठीक है थीके? एक ट्राइंगल जो है वो टू सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर है जिसकी साइड्स ठीक है ये क्या है ये साइड्स है एक ट्राइंगल की ठीक है जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है तो एक की साइड जो, जो है टू सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर बना। है ठीक है और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है ठीक है और उसकी साइड जो है वो टू सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और थ्री सेंटीमीटर है ठीक है तो चले पहले हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या इस ये जो सेंटीमीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं तो क्या इन सेंटीमीटर से ट्राइंगल बन सकता है तो ये हम देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस करते हैं ठीक है या पहले हम क्या ये काम करते हैं कि इन दोनों को प्लस करते हैं ठीक है तो फोर प्लस सॉरी सिक्स प्लस फोर इस इज वॉट ये दो साइड है ठीक है तो दो साइड कितनी हो रही है ये टेन हो रही है ठीक है तो क्या ये रिमेनिंग जो एक साइड है विच इज़ टू क्या ये इससे कम क्या ये इसके बराबर ही इससे कम है तो ऑफ कोर्स ये टू से बड़ा है ठीक है तो ये क्या है बड़ा है आपकी रिमेनिंग साइड से ठीक है टू सेंटीमीटर से इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि अगर टू हम सिक्स को करें तो क्या ये बड़ा होगा फोर से तो ऑफ कोर्स ये नहीं होगा ठीक है तो इसको जस्ट क्विकली लिख लिख लेता हूँ यहाँ पे सिक्स प्लस टू इजिकल टू ये कितना हो जाएगा एट uh, राइट right, जो कि बड़ा है फोर से फोर सेंटीमीटर से ठीक है और अगर हम यहाँ पे देखते हैं uh, अच्छा यहाँ पे ये दो कंडीशन मीट हो रही हैं ठीक है यानी कि हमें uh, ये बेसिकली ट्राइंग ये ये थ्यूरियम कह रहा था कि आ, आपकी जो दो साइड हो वो बड़ी हों ठीक है आपकी रिमेनिंग एक साइड से तभी जाके आपका ट्राइंगल सही माना जाएगा ठीक है तो यहाँ यहाँ तक तो हमने किया तो ये बड़ा मतलब बड़ा आ रहा था आपका जो सम है दो साइड का वो बड़ा आ रहा था ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम टू और फोर लेते हैं ठीक है तो अगर हम टू और फोर लेते हैं टू प्लस फोर तो ये कितना हो जाएगा सिक्स ठीक है जो कि बड़ा नहीं आ रहा आपकी रिमेनिंग वन साइड से बल्कि बड़ा बड़ा आ रहा है ठीक है सो विच इस रॉन्ग ये ठीक है ये ठीक है ये गलत है तो उसका मतलब कि जो ओवरऑल ट्राइंगल है वो गलत हो गया अब हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की ठीक है तो यहाँ पे हम पहले कह देते हैं टू फोर को तो टू प्लस फोर ये हो जाएगा सिक्स जो कि बड़ा है थ्री से ठीक है फिर हम लेते हैं टू थ्री को ठीक है सो टू प्लस थ्री जो कि कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा ठीक है जो कि स्टिल बड़ा है फोर से ठीक है जो कि रिमेनिंग साइड है आपकी फोर की उसे बड़ा है फाइव अब हम लेते हैं फोर और थ्री को ठीक है ये हमने नहीं लिया सो ये यहाँ पर ले लेते हैं फोर प्लस थ्री तो ये कितना आ रहा है फोर प्लस थ्री इज़ सेवन ठीक है तो सेवन भी ऑफकोर्स बड़ा है रिमेनिंग साइड कौन सी आपकी टू के ठीक है तो उसका मतलब कि ये भी मीट है मतलब ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है, भी सही है। तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन मीट हो रही है तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल सही है ठीक और ये वाला ट्राइंगल गलत बना हुआ है सो so, इसी के साथ ये वीडियो कम्प्लीट होती है ये था आपका ट्राइंगल इन इक्वालिटी थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो है